ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहीते। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो इससे पिछले प्रश्न, इससे पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान के सामने अपना हार्ट रिवील किया था और अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं बहती हुई हवा को रोक सकता हूँ, बट ये मन को नहीं कंट्रोल कर सकता। ये बहुत ही चंचल है, ये हर सेकंड में एक नई डिज़ायर पैदा करता है और डिज़ायर पूरी होने पर दूसरी डिज़ायर पैदा करता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो भगवान कहते हैं, कंफर्म करते हैं अर्जुन का जो ये डाउट था कि क्या इज़ इट पॉसिबल, तो भगवान कन्फर्म करते हैं, कहते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र, ऑल दो यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, तुमने ऐसे 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 काम किए हैं जो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसलिए तुम महाबाहु हो, लेकिन निसंदेह ये जो मन है, इस चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो कृष्णा इज कन्फर्मिंग दिस। हाँ, इससे हमें पता चलता है कि ये समस्या वाकई में गंभीर है, इतना ईजी नहीं रहेगा ये रास्ता, इतना ईजी नहीं रहेगा, इसको हम सब समझ जाएं, क्योंकि कृष्ण यहाँ पर कन्फर्म कर रहे हैं कि इस चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन देर इज़ अ होप। कृष्ण बताते हैं कि कैसे इसको करा जा सकता है और इसका तरीका बताते हैं, अभ्यास और विरक्ति। यदि आप अभ्यास करते रहोगे तो विरक्ति, और विरक्ति साथ में रखोगे तो ये हो जाएगा। हम सुना, बचपन से हम सुनता है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, दसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, की एक रस्सी जो है एक पत्थर पर निशान मार देती है, पत्थर को काट देती है। अब सोचिए, रस्सी तो कट जाने वाली चीज़ है, पत्थर तो बिल्कुल नहीं कट सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली रगड़ मार मार के पत्थर को भी वो घिस देती है, जैसे कि कुएं के किनारे पे हम देखते हैं, कुएं में पत्थर बिल्कुल चिकना मुलायम सा हो जाता है किनारे पे, जहाँ रस्सी बार बार आती है और कई बार उसमें गहरे निशान पड़ जाते हैं रस्सी के। हाँ, उसको खींचते रहते हैं ना पानी के लिए, ऐसे 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 खींचते हैं, तो खींचने से पत्थर पर लगा कंटिन्यूसली एक रगड़ लगती है, और रगड़ लगने से क्या होता है, धीरे 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 पत्थर समाप्त हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है, उसमें धार पड़ जाती है। तो इस प्रकार से अभ्यास इतना इम्पोर्टेंट है, यानी कि इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल लाइफ इज़ नॉट कि हम एक दिन कोई सत्संग सुन लें, अगले दिन घर में आराम से बैठ के सोएं, फिर किसी दिन मन करे बिस्तर में लेटे हुए हैं, रजाई ओढ़ के टीवी ऑन कर दिया है, या माना जूम या टीम्स ऑन कर दिया है, बैठे हुए हैं, बैठे बिस्तर में बैठ के हम सुन रहे हैं, ये प्रैक्टिस नहीं होती है। कभी आपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करी है ऐसे बिस्तर में रजाई में बैठ के? मैंने करी है, थोड़ी देर में नींद आ जाती थी। ये केवल एक बहाना है, हम माँ बाप को बोलते थे, नहीं नहीं मैं पढ़ लूँगा, मैं पढ़ लूँगा, मैं सोऊंगा नहीं, और थोड़ी देर में हम सोए होते थे। अभ्यास करना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। हम जनरली अभ्यास इस तरीके से करते हैं जैसा कि हम रियल लाइफ में उस सिचुएशन को हम फेस करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम एग्ज़ाम के लिए अगर अब सही रूप से अभ्यास करें तो हम वही 3 घंटे के लिए एक पेपर देने का प्रयास करते हैं कई बार घर में बैठ के, कि मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया, कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ कि नहीं 3 घंटे। तो अभ्यास बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसी लाइफ सिचुएशन आएगी, तभी वो अभ्यास हमें काम में आएगा, राइट? अगर मैं साइकिल को चलाता हूँ और कंटिन्यूसली उसके सपोर्ट में 2 टायर लगा के रखता हूँ, हाँ, और सीधा एक दिन टायर निकाल के सड़क में चल लेता हूँ, तो बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे अभी घर के आसपास ही उन टायरों को धीरे धीरे हटाना चाहिए था और बैलेंस पहले चेक करना चाहिए था इससे पहले कि मैं सड़क पर जाऊँ। तो उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रैक्टिस करें। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी विकट समस्याएं आ सकती हैं जहां पर हमें डिसाइड करना पड़े कि ये करा जाए या ये किया जाए, सही क्या है, लेकिन कमज़ोर मन के कारण हम वहां डिसीजन मन के अकॉर्डिंगली ले लेते हैं, जो कि अक्सर गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी इस मन को इतना प्रैक्टिस में डाला ही नहीं था, हमने बुद्धि को कभी स्ट्रांग ही नहीं किया अपने जीवन में, हमने कभी ये डिसीजन लिए ही नहीं, छोटे छोटे वहाँ प्रैक्टिस करी नहीं, और जब जीवन में एक बड़ा संकट आ जाता है या बड़े दुविधा आ जाती है या कोई अट्रैक्टिव चीज़ आती है जो हमारे मन को लुभा लेती है, हम फिसल जाते हैं क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया था।
हम देखते हैं कि अब बड़े बड़े महान क्रिकेटर से पूछा जाता है कि तुम्हारी कैसे तुम इतने बड़े क्रिकेटर बने, सचिन तेंदुलकर, वो अक्सर जवाब देते हैं कि आई वॉज ऑलवेज ऑन द नेट्स, मैं हमेशा प्रैक्टिस करता था। लेकिन कई बार देखा गया कि कोई बहुत स्टाइलिश क्रिकेटर बन गए जिन्होंने क्रिकेट में जिन्होंने जो ब्रेक टाइम है उसमें अपने शूटिंग देने लगे, एडवर्टीजमेंट देने लगे, और देखा गया उनका करियर जल्दी समाप्त हो गया क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी। हाँ, हम देखते हैं कि डॉक्टर के प्रोफेशन को ही प्रैक्टिस बोला जाता है क्योंकि वो हमेशा ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। और ये बात तो हमने सुनी कि टाइगर वुड्स जो कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, हम जानते हैं, उनसे एक बार पूछा गया कि क्या राज है आपके इसका, तो उन्होंने बोला तीन चीज़ें। सब हैरान हो गए, लिखिए कौन सी तीन चीज़ें, टाइगर वुड्स इज सेइंग समथिंग, बोला प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो उसी तरीके से जब इस संसार की छोटी मोटी चीज़ों को सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो कि बिल्कुल बियॉन्ड आवर सेंसेस है, उसके लिए हमें कितने प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। हमें स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस चाहिए, हमें राइटिंग की प्रैक्टिस चाहिए, हमें सिंगिंग की प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए, तो क्या स्पिरिचुअल जगत में जाने के लिए जो साधना है उसकी प्रैक्टिस नहीं होगी? हम साधना करते ही क्यों हैं? साधना भक्ति क्या कहती है? साधना भक्ति इज वैधि भक्ति, नियमों की भक्ति, विधि विधानों की भक्ति, विधि विधानों की प्रैक्टिस। इट इज मस्ट। कई बार लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतने नियम क्यों हैं, इतना कुछ क्यों है, आपके यहाँ बड़े कड़े नियम हैं। कड़े नियम नहीं है, इट इज अ प्रैक्टिस। हेयर कृष्णा इज सेइंग उपयुक्त अभ्यास करना की आवश्यकता है। इसलिए हर व्यक्ति प्रैक्टिस करता है जो कि एक्सीलेंस प्राप्त करना चाहता है। हम भी अपनी इस प्रैक्टिस में एक्सीलेंस प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि हम भी, हमारा जो मंजिल है, हमारा जो गोल है वो बहुत ऊंचा है, वो है भगवान के धाम में जाना। उसके लिए कितनी प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, आप सोच सकते हैं। जब संसार में एक पोजीशन को मैनेजर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऑफिस में हम लगे रहते हैं काम पे, कोई लर्निंग करते हैं, कोई नया कोर्स करते हैं, कोई नई डिग्री लेते हैं, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स लेते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, नए काम को सीखते हैं, इट्स ऑल प्रैक्टिस, और तब हम डायरेक्टर बन पाते हैं। देन व्हाट अबाउट गोइंग बैक टू गॉड हेड? लेकिन साथ में एक चीज़ और बोला भगवान ने, नॉट ओनली प्रैक्टिस, इट इज ऑल्सो विरक्ति, त्याग, वैराग्य, इसकी आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करता है दवाई खाने की और वो दवाई खाता है रोज, दो सवेरे खाने के बाद, दिन में खाने के पहले, व्हाटएवर, लेकिन साथ में वो सारे वो गलत चीज़ें भी खा रहा है जो डॉक्टर ने मना किया है, तो उसने वैराग्य पैतर पैदा नहीं किया, खाली प्रैक्टिस करता रहा। दोनों चीज़ों की आवश्यकता है, इसलिए भगवान ने बोला। इसलिए हम कई बार, कई जैसे हम सुनते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने नियमों की कुछ जरूरत नहीं, आप मेरे पास आओ, ये मंत्र लो, और लोग ऐसे गुरुओं से बड़े प्रसन्न हैं और उनके शिष्य हजारों लाखों की संख्या में बन जाते हैं क्योंकि हम लोग चीप गुरु ढूंढ रहे होते हैं, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू प्रैक्टिस एंड वी डोंट वॉन्ट टू रिनाउंस। ना हमें वैराग्य चाहिए, ना हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्योंकि इनमें कठिन परिश्रम है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन भगवान कह रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट मैटर इज़ वेरी डेंजरस, कि मन बहुत ही बलवान है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, ये अपना नुकसान कर सकता है, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको जीतने के लिए प्रैक्टिस करें और विरक्ति पैदा करें। भगवान गीता में बोलते हैं कि भोगेश्वरम प्रसक्ता नाम तया उपत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधोना विधियते, कि भगवान को प्राप्त करने की जो दृढ़ बुद्धि है वो उसी व्यक्ति के अंदर आ सकती है जो अपने इंद्रियों को वश में करता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। जो व्यक्ति अपनी निरंतर आने वाली इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, ऐसा भगवान गीता के दूसरे अध्याय के अंत में बोलते हैं। कि जिस प्रकार समुद्र अपनी इच्छाओं को संभाल लेता है, तो इसलिए विरक्ति की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, अदरवाइज देर इज़ नो यूज। इधर से आपने गंदे पानी को साफ किया, उधर से नाली को पानी के अंदर छोड़ दिया, इधर गंगा जी की सफाई कर रहे हैं, उधर से सारे नाले गंगा जी में जा रहे हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसलिए उपयुक्त अभ्यास और विरक्ति, ये हाथी के स्नान जैसा नहीं होना चाहिए। हाथी स्नान करता है, बाहर आते ही धूल निकाल के अपने ऊपर डाल लेता है, इसलिए इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इसलिए जितनी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में विरक्ति प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। अर्जुन द्वारा इस व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ सुझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से ये हो पाएगा। वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन, एकांतवास में रहना, कठोर विधियों का पालन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कृष्ण भावना मृत के अभ्यास से
भगवान की नवधा भक्ति से एकता कर पाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमारे जीवन में नियम बनाया, शुरू में हमें बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन भक्ति में हमने जब इसको आगे बढ़ते गए तो हमने देखा हमारे जीवन बिल्कुल नियमित हो गया। हमें सवेरे उठने का एक समय बन गया, मंगला आरती सवेरे एक डॉट 4:30 बजे, नियम पक्का, अभ्यास, वैराग्य, किसी से वैराग्य, नींद से वैराग्य और अभ्यास मंगला आरती का। उसके बाद जपा 1.5 घंटा कंटिन्यूसली बैठ के कर पाए, धीरे 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 हो पाया, अदरवाइज हमारे लिए एक जगह पर बैठना वॉज इम्पॉसिबल। वैराग्य, क्या वैराग्य, मन कहता है थोड़ा चल के कर लेते हैं ना, थोड़ा वहाँ घूम लेते हैं ना, थोड़ा देख लेते हैं बाहर मौसम कह रहा, वैराग्य और अभ्यास, बैठने का अभ्यास, दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। फिर हमने कथा सुनने का अभ्यास, धीरे धीरे कथा में बैठने का अभ्यास, तो ये हमने किया। कृष्ण के विषय में श्रवण करना, प्रभुपाद करें, ये भक्ति का पहला अंग है। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता चला जाता है जो कृष्ण को, जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख लेता है। यानी कि वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना, यानी कि कृष्ण से आसक्ति, पदार्थ से विरक्ति, निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति। कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। निर्विशेष जो लोग हैं, जिनके पास भगवान का रूप नहीं है, उनका नाम नहीं है, उनकी लीलाएं नहीं है, उनके लिए ये प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन भक्ति योग में ये प्रैक्टिस करना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि हम कृष्ण के विषय में सुनते हैं, कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं, उनसे प्रेम हो जाता है, तो अपने आप ही सब चीज़ों से विरक्ति हो जाती है। ये वैसे ही है जैसे भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है, वो इधर से भोजन कर रहा है, उसकी एनर्जी भी मिल रही है और उसको तुष्टि भी प्राप्त हो रही है, दोनों चीज़ें एक साथ होनी है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स, कुछ दवाइयाँ और कुछ परहेज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन को का कुशल उपचार है। यदि हम कृष्ण के विषय में सुनते रहेंगे, इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, उनके नामों को जपने, यानी कि श्रील प्रभुपाद के बनाए हुए दिनचर्या को यदि हम धीरे धीरे पालन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा मन एकदम कंट्रोल में आ जाता है। आप इसको करके देखिए। भक्त जो हैं चारों तरफ संसार में, भक्त इसको करने का पालन कर रहे हैं और हम हैरान हो जाते हैं देख के कि आप इसको जर्मनी में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको डिट्टो वही शेड्यूल मिलेगा और एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू दैट। हम देखते हैं कि बहुत बड़ा डाइटिशियन कई बार फेमस हो जाते हैं उनका डाइट प्लान देख के, उनका चार्ट देख के। हाँ, संसार में सब लोग अपनी कुशलता से अपने हिसाब से कुछ प्लान बनाते हैं। अब ये प्रभुपाद का बनाया हुआ सिस्टम ये पूरे संसार में लोग अपना रहे हैं, कोई किसी भी कंट्री में हो, देखिए कितना बढ़िया ये एक शेड्यूल होगा जिससे व्यक्तियों को इतना फायदा हो रहा है और कोई इसको स्वाभाविक रूप से स्वेच्छा से करता है। और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ है, यानी कि कृष्ण का नाम जपना, उनका श्रवण करना, उनकी लीलाओं का और उनके उनको अर्पित किया गया भोजन ही प्राप्त करना, यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। यदि हम इसको करेंगे, भगवान कह रहे हैं, इसका अभ्यास करेंगे और विरक्ति करेंगे, बीच बीच में मन बोलेगा बहुत कुछ, नहीं नहीं ये तो नहीं है, नहीं हो पा रहा है, तो ज़्यादा हो रहा है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, हाँ तब उसको खींच के लेना आ रहा है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं विरक्ति भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभ्यास। तो आइए हम इसका प्रॉमिस करें कि हम इसका अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे करके ही एक रस्सी पत्थर पर निशान मार देती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की